गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पढ़ा था, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंटरेक्शन में मैंने जो आपको तीन बातें बताया, एक तो आयनिक था मेरे पास, एक हमारे पास कोवेलेंट था और तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट था। अब एक वीक इंटरेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे टॉपिक लास्ट में वैन डर वाल हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हमको हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है ताकि हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसको प्रपोज किया था, प्रपोज बाय रोडी बुश एंड लैटिमर, ठीक है, दो लोग थे बच्चों। इन दोनों लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था। पहले इसको लिखो, लिखा बच्चों। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमारी बात समझना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ऐसा कार्बन जिसपे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। एक नया वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, चार बातें बोल रहा हूं हमारे पास, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जैसे कि हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और एक ऐसा कार्बन जिस पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, वो सारे के सारे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन क्या लिखा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन से बच्चों, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड कार्बन इन विच एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, राइट। तो इससे पहले मैंने आपको सिर्फ बात बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको लिखो, लिखा बेटा, अब सुनो हमारी बात, एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ध्यान सुनना, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो अगर मैंने मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूछा तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, राइट, ठीक है। अगर मैंने पूछा क्वेश्चन में कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, राइट। और अगर मैंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, राइट। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये हमारा हो गया 15 ग्रुप, ये हो गया बेटा 16 ग्रुप, और ये हमारा हो गया 17 ग्रुप, राइट। 15 ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर फ्लोरीन, राइट। अब देखो, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, यहां सल्फर और यहां पर आपका क्लोरीन, राइट। अब ध्यान सुनना, ऊपर से जब नीचे की तरफ हम चलते हैं, राइट,
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, राइट। तो इसका मतलब यह हो गया कि इन तीनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर ये तीनों एलिमेंट, अगर ये तीनों एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएं, यानी कि अटैच विथ हाइड्रोजन, क्या हो जाए, अटैच विथ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है बेटा, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्वेश्चन में यह कह दें कि भाई इसके साथ मैं हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं, या मैं इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं, या इसके साथ मैं हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं, इसको मैंने वन मान लिया, इसको टू मान लिया और इसको तीन मान लिया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एच वन की मैं बात करूं, या मैं एच टू की बात करूं, या मैं एच थ्री की बात करूं, ये तीनों के तीनों नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, बताओ, ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी और इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी बेटा, लो होगी, क्या होगी, लो होगी। नोट करो, लिखा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड से लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो नोन एज, हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं लिख दूं, अभी सब बताऊंगा, डाइपोल डाइपोल है ना इंटरेक्शन, ठीक है, इनको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। एंड इट इज वेरी वीकर बॉन्ड, वेरी वीकर बॉन्ड, बट इट इज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कमजोर जो बॉन्ड होगा बच्चों वो कौन सा होगा, वैंडरवाल, है ना, बट स्ट्रॉन्गर देन वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज 10 की पावर 6 टाइम, हाइड्रोजन बॉन्ड इज 10 की पावर 6 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, देन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड से लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्कोहल, अल्कोहल है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी, अमोनिया, ठीक है, HF, एमाइंस, एमाइंस है ना, एक्वास, HCl, ध्यान समझना, बट एब्सेंट इन इन ईथर एंड लिक्विड HCl। वर्ड्स पर ध्यान दो, यहां क्या लिखा, एक्वास, यानी कि अगर क्वेश्चन में पानी वाला HCl लिखा है, पानी के साथ HCl लिखा है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन अगर लिक्विड HCl, पता नहीं कौन सा लिक्विड है, एल्को है भी नहीं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है भी नहीं, है या नहीं पता नहीं मेरे को, तो अगर क्वेश्चन में उसने ये कहा है लिक्विड HCl, बच्चों ध्यान समझना, लिक्विड HCl लिखा है तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो मैं कुछ प्रूफ करके दिखाता हूं, पहले इसको नोट करो, लिखा बेटा, अब सुन मेरी बात, ध्यान से देख और समझ कि अगर मैंने ये कहा हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं,
कुछ मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, जैसे मैंने ले लिया वाटर, अमोनिया ले लिया, पहले देख सुन ले, पहले मैंने अमोनिया ले लिया, राइट। तो अमोनिया में देख, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन दिख रहा आपको। अब एक एक और एन लिया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, बच्चों दिखाई दे रहा है। अब यहां जानते हो पार्शियल निगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और यहां क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, यहां पार्शियल निगेटिव होगा, होगा, यह पार्शियल पॉजिटिव होगा, होगा। अब इस प्लस और माइनस के बीच में, जो प्लस और माइनस के बीच में डॉटेड लाइन है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक बात देख, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस है, और ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल, राइट। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, राइट। तो डाइपोल, ये भी डाइपोल हो गया, ये भी, ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो मैंने ये लिखा है यहां पर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमको क्या दिख रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक और देखो बच्चों, एक और देखो, पहले इतना नोट करो, नोट किया बेटा, अब मेरी बात सुन ध्यान से देख, कि अगर मैंने, अगर मैंने ये कह रखा है कि एक्वस, एक्वस H2O, एक्वस HCl ले रखा है, एक्वस HCl का मतलब क्या है कि वाटर के साथ HCl के साथ पानी का अटैचमेंट है, राइट, ये दिख रहा है आपको, इसका अटैचमेंट है ना, तो क्या क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है मेरा, क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर क्वेश्चन में एक्वस लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट, प्रेजेंट होगा, और अगर उसने एक सिंपल लिक्विड HCl लिख दिया तो वहां पर एब्सेंट होगा, एक बात। दूसरी बात, तीसरी अगर हम बात करें ध्यान से, थोड़ा समझना बेटा, ईथर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर होता है, या हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं आर ओ आर डैश, राइट, समझना मेरी बात, आर ओ आर डैश लिख पहले, ठीक है। अब समझ, समझ, अब देख, ये हमारा हो गया CH3 और ये होगा O और ये होगा CH3, राइट, या मैंने कहा C2H5 और ये मैंने कहा O और ये C2H5, राइट, ठीक है। अब देख R और दोनों कॉमन हो गए, बराबर बराबर दिख गए, यहां भी R बराबर हो गया। इस वाले केस में देख, हमने क्या लिखा है कि CH3 है, O है, और इसके बाद दूसरा हमने क्या कर दिया, C2H5, क्योंकि एक मैंने R डैश ले रखा है। बच्चों दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम लोग ये समझते हैं, हम लोग समझते क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हमें इसकी वजह से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो हमको OH बॉन्ड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड हो, क्या हो, OH बॉन्ड, या मॉलिक्यूल में NH बॉन्ड हो, या मॉलिक्यूल में HF बॉन्ड हो, तो अगर हम ये बॉन्ड हमको देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या मेरे को इन इन तीन केस में मैं किसी एक दो एग्जाम्पल को सॉल्व करूं तो क्या मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसा हम फॉर्मूले से, अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन रियलिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब देख यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा सी, ये आपका एच, ये आपका एच, ये आपका एच, ये आपका लिखा ओ, ये लिखा सी, ये एच, ये एच, ये एच, या मैंने ऐसा कह दिया कि ये मेरा CH3 हो गया साहब,
ये सी, ये एच, ये एच, ये ओ, फिर ये सी, फिर एच, फिर एच, और ये आपका सी एस थ्री। बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये ईथर के दो फॉर्मूले मैंने बना दिए, क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? कहीं पर ओएच बॉन्ड दिखा? यहां पर हमको बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? हमको तो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, सीओ बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या ओएच बॉन्ड देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमको ऐसा लगता है, हमको लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। नोट करो, लिखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक, एक होता है हमारा इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखो, एक होता है हमारा इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखा बेटा, दूसरा लिखो बेटा, दूसरा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, ठीक है, लिखो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है तो बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, है ना, हैंग डालो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, हैंग डालो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल then such type of hydrogen bonding is known as, such type of hydrogen bonding is known as intermolecular hydrogen bonding। Full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो नोन एज एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑल दोज मॉलिक्यूल इन विच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ऑल दोज मॉलिक्यूल इन विच intermolecular hydrogen bonding is present, they contain maximum boiling point as well as solubility in water। यानी जिनके पास intermolecular hydrogen bonding होगा, पानी में solubility भी ज्यादा होगी और उसका boiling point भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो
एक एग्जाम्पल लेके देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं किसको, इंटरमोलिकुलर को। जैसे मैंने ले लिया पानी, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पर ये हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा मेरे को बताओ, क्या क्या माइनस और प्लस की वजह से मैं इसको डाइपोल कह सकता हूं, बताओ बच्चों, इसको मैं डाइपोल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ये माइनस है और ये प्लस है, क्या मैं डाइपोल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बताओ, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्या बोल सकता हूं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन दिख रहा है आपको, और इसी को बोलूंगा क्या, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या मैं कह सकता हूं इसका दूसरा नाम अभी लिखवाया है, एसोसिएशन एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, नोट करो। लिखा बच्चों, अब हम एप्लीकेशन करेंगे इसका। एप्लीकेशन का मतलब क्या, कि किस तरीके सवाल पूछे जाते हैं, किसके एप्लीकेशन, इसके, है ना। तो लिखो सम एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सम एप्लीकेशन, राइट। तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या आएगा बेटा, सुनो, पहला कि H2O इज अ लिक्विड, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, क्यों क्यों। अब आपसे ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं 16 ग्रुप की बात कर रहा हूं तो ये आपका ऑक्सीजन सल्फर दिखाई दे रहा है आपको, पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तो जब इसके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ या इसके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ, जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ तो हमको क्या मिल गया, गैस बन गया, क्या बन गया, गैस बन गया, और इनके साथ अगर अटैच हुआ तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके साथ अटैच होगा तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा क्या, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और यहां पर क्या होगा, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्यों बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। अब ये मेरा हो गया, ये सल्फर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, या तो हमको देखने को मिलता ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, या फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो इनमें से कोई बॉन्ड हमको दिखा नहीं, दिखा यहां कौन सा बॉन्ड दिख रहा है हमको, यहां हमको SH बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बच्चों, एब्सेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होने की वजह से यहां पर ये लिक्विड स्टेट में है, और H2O जो होता, सॉरी गैस स्टेट में है, और H2O हमारा लिक्विड स्टेट में है, H2O हमारा क्या, हमने क्या लिखवाया कि H2O हमारा लिक्विड है और H2S हमारा गैस है, और उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर, या हम कह सकते हैं एसोसिएशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नोट करिए।
दूसरा देखो बच्चों, बच्चों दूसरा देखो, दूसरा अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। अल्कोहल की खास बात, अल्कोहल यानी ROH, ठीक है। अब ध्यान से देखो, R बराबर हम एलिफैटिक भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलिफैटिक, और R बराबर हम एरोमेटिक भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखना ध्यान से, एलिफैटिक में या तो हमको CH3 देखने को मिल जाएगा ग्रुप, या हमको C2H5 देखने को मिल जाएगा, और एरोमेटिक में हमको C6H5 बेंजीन का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साहब CH3OH, या हम ये भी कह सकते हैं C2H5OH, या हम ये भी कह सकते हैं C6H5OH, राइट। इसका नाम क्या होगा, मैथिल अल्कोहल। क्या नाम होगा, मैथिल अल्कोहल, राइट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों, एथिल अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा, फिनोल। क्या होगा, फिनोल। फिनोल को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, एरोमेटिक अल्कोहल। किस नाम से, एरोमेटिक अल्कोहल, राइट। अब देखो ध्यान से, कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो मैथिल अल्कोहल को इस तरीके से भी वो लिखेगा MeOH, इसको लिखेगा ETOH, है ना, और इसको लिखेगा PHOH। क्या इस तरीके से भी कोडिंग वो करता है, ठीक। अब यहां पर एक बात देखो, हमने लिखा है कि वाटर सॉल्युबल है, इसको समझो। इन सभी केसेस में जितने भी अल्कोहल हैं, सभी में क्या दिख रहा है, OH, सभी में क्या दिख रहा है, OH, क्या दिख रहा है, OH, OH का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। क्यों होता है वाटर सॉल्युबल, क्यों हो गया वाटर सॉल्युबल। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारा OH है, OH को क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पानी क्या होता है, पानी ये भी पोलर होता है, क्या होता है, ये भी पोलर, और अल्कोहल भी, अल्कोहल भी हमारा क्या है, यानी कि ये भी हमारा पोलर है, ये भी हमारा पोलर है, और ये भी हम, पानी भी हमारा पोलर है। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, लाइक लाइक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा बच्चों, लाइक लाइक कॉन्सेप्ट। तो लाइक लाइक कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, लाइक लाइक कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि भाई जो पोलर कंपाउंड है पोलर सॉल्वेंट पे जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा, इस वजह सारे के सारे अल्कोहल पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नोट करो,